अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है वीडियो की राइट साइड पर। आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस हैं आप उसे आसानी से वॉच कर सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज जो हमारी वीडियो का उनवान है, आपने जान लिया होगा व्यूअर्स, चेहरा साफ शफाफ और चमकदार होना किसकी ख्वाहिश नहीं। हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो किसी महफिल में या फिर आम रूटीन में सबसे मुनफरद और जज्ब नज़र लगें, मगर ये सिर्फ तब मुमकिन है जब चेहरा साफ हो। लेकिन चूंकि हर एक लड़की की जिल्द मुख्तलिफ होती है और वो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में मुब्तला होकर डॉक्टरों का रुख करती हैं, नौजवान बच्चियों के चेहरे पर बाल अमूमन नज़र आते हैं। ये मसला बहुत आम हो गया है। बास चेहरों पर ये बाल नहायत बारीक होते हैं, लेकिन कुछ खवातीन के चेहरों पर काफ़ी नुमायाँ होते हैं। अमूमन 15 से 16 साल की उम्र में ये बाल निकलने लगते हैं। इनके नमूदार होने की चंद वजूहात दर्ज ज़ेल हैं: विरासत, लड़कियों का लड़कों वाले तौर तरीके अपनाना, महाना निज़ाम की खराबी, ये बाल रवा की तरह है। इसी तरह व्यूवर्स, काफ़ी बहनों ने मुझसे चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों के हवाले से नुस्खा जात पूछी हैं। इन बहनों की खिदमत में एक आसान और आजमूदा नुस्खा लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हम मेरे दीगर नुस्खाजात की तरह ये नुस्खा भी आपको बहुत पसंद आएगा, और इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट हासिल होगा। इसका इलाज: लेमन के छिलके 1 चम्मच, माल्टे के छिलके 1 चम्मच, बादाम का पाउडर 1 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच, अरके गुलाब हसब ज़रूरत। ये मैं नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दोबारा गौर से नोट कीजिएगा: लेमन की छिलके 1 चम्मच, माल्टे की छिलके 1 चम्मच, बादाम का पाउडर 1 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच, अरके गुलाब हसब ज़रूरत। व्यूअर्स, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, वो अगर ख़ुद घर में तैयार करना चाहें तो भी ठीक है, वरना ये सब चीज़ें ना सिर्फ नहायत सस्ती है, बल्कि बाज़ार से किसी भी अच्छे पंसार स्टोर या जनरल स्टोर से आसानी से दस्तियाब हो जाएगी। अगर ना मिले तो आप घर में तैयार कर लें। इसके बनाने का तरीका: लीमू, माल्टी के छिलकों और बादामों को बारीक पीस लें। अब इस सफूफ में जैतून का तेल और अरके गुलाब मिक्स कर लें। व्यूअर्स, ये महलूल बाज़ार से मिलने वाली स्क्रब की मानंद हो जाएगा और इस्तेमाल के लिए तैयार होगा। इसके इस्तेमाल करने का तरीका: किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। इस स्क्रब को चेहरे पर हल्के हाथों से 10 मिनट तक मसाज करें और फिर धो लें। व्यूअर्स, ये अमल हफ्ते में 2 से 3 मरतबा दोहराएं। इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते में बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।